आपको बता दें जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वो जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने नहीं दे रहे हैं। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी का के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचकर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है। प्रशासन ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट को टीन शेड से लगाकर कवर कर दिया है। अखिलेश यादव के आरोपों पर एलडीए का कहना है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां पर निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। तो जेपीएनआईसी में निर्माण जारी है, लेकिन आज जयप्रकाश जी की जयंती है और इस अवसर पर अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रातों रात वहां पर टीन शीट लगा दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी आज सुबह के हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रात में ही इसे लेकर काफी राजनीति हुई है। अखिलेश का कहना है कि जब यहां पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, हर साल यहां पर उनकी जयंती पर उन्हें माल्यार्पण किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, तो फिर आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर ऐसा क्या हो गया कि टीन शीट लगा दिया गया। और एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैरिकेटिंग को तोड़कर माल्यार्पण किया जाएगा, हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और हम वहां पर जरूर पहुंचेंगे। चाहे भाजपा की सरकार कितना भी जुल्म और अन्याय करे, चाहे बैरिकेटिंग करके हमको रोकने का प्रयास करेगी, तो हम हर बैरिकेटिंग को तोड़ करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकना ये दमन है। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। श्रद्धालु की पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गए। हादसे में एक की मौत हो गई है, एक बच्चा भी घायल हो गया है। कई श्रद्धालु को चोट आई है। पुलिस ने घायलों को बेहट सीएससी में भर्ती करा दिया है। सभी श्रद्धालु मेरठ के सरथना के रहने वाले हैं। घटना कलसिया मार्ग की बताई जा रही है। जो डीजे बज रहा था पीछे, उस डीजे को देख रहे थे जी, ये साइड में खड़े हो गए जी। मनीष बाप का नाम क्या है? श्री कालू राम जी। गांव कौन सा? छबड़िया जी। छबड़िया कहाँ पड़े, कौन सा थाना लगे? जिला सरदन लगे जी वो जी। प्रतापगढ़ में अवैध पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारण मकान की छत और दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आग की चपेट में आकर पटाखा व्यापारी की मौत हो गई है, वहीं दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई। घायलों को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। पटाखों को अवैध तरीके से एक मकान में स्टोर कर रखा गया था। विस्फोट की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है। काफी मशक्कत के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सका। उन्होंने अपने जहां पे उनका लाइसेंस था गोदाम का, उससे नजदीक में अपने घर में अवैध भंडारण पटाखों का किया हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट में मुख्तार अहमद की मृत्यु हो गई और उनके परिवार के दो सदस्य, उनकी बहू और बेटी जो है वो घायल हो गए। घायलों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने हेतु एसआरएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज भेजा गया है। चिकित्सकों की अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार घायलों की स्थिति स्थिर है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र की पॉश कॉलोनी राधा ऑर्चिड में रहने वाले नगर निगम के एक अधिकारी पर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा। मामले की जानकारी होने पर कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं नाराज हो गई और कॉलोनी में ही रह रहे मेयर विनोद अग्रवाल के घर जाकर जमकर हंगामा काटा। महिलाओं का आरोप है कि आरोपी मेयर के फ्लैट में ही किराए पर रहता है। महिलाओं ने सड़क पर जाम भी लगाया। पुलिस को कॉलोनी के अंदर बंद कर बाहर से गेट बंद कर दिया। मामले को बढ़ावा देखते देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर थाने।
ये सूचना आई थी कि बच्चे के साथ में उसके कॉलोनी में रहने वाले कोई नगर निगम में काम करने वाले ने छेड़खानी कर दी। इस आरोप पर जो है वो जो अधिकारी है वो पुलिस हिरासत में, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है और परिवारजन से तहरीर प्राप्त करने की तरफ प्राप्त की जा रही है। तहरीर लेकर के इसमें विधिक कार्रवाई जो बनती है जांच उपरांत कार्रवाई इसमें की जाएगी। गौर गिरफ्तार बदमाश के पास से लूट, छिनैती और स्निचिंग के कई केस दर्ज हैं। थाना लूनी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। दूसरी खबर शामली से है, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को पकड़ा। शातिर एटीएम लूट की योजना बनाते थे। बदमाशों के कब्जे से बुलेरो कार, एक तमंचा, 3 कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही 70,000 का कैश भी मिला है। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। मामला थाना आरसी मिशन इलाके का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर कामयाबी मिली। तो वहीं शाहजहांपुर की रोजा पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से कच्ची शराब भट्टी और शराब भट्टी बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 50 लीटर लहन नष्ट किया गया। तो वहीं पुलिस संयुक्त टीम ने 1.5 लाख की अफीम के साथ 2 शातिरों को पकड़ा। तस्करों के पास से पुलिस ने 491 ग्राम अफीम और बाइक बरामद की है। मामला थाना कटरा पुलिस का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जिला प्रशासन लगातार सतर्क है, लेकिन किसान अपने खेतों में पराली जलाते नजर आ रहे हैं। पराली जलाने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बागवाला कस्बा खानपुर का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर किसान तमाम नियमों के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद यहां पर पराली जलाते दिखाई दिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के गांव में तेंदुआ दिखने से अब दहशत हो गई है। तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला निघासन के बिरजापुरवा का बताया जा रहा है, जहां पर तेंदुआ दिखने के बाद अब लोगों में खौफ है। लोगों का कहना है कि इस तरह से तेंदुआ दिखना उनके लिए खतरनाक है। बांदा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माता रानी के भक्तों को प्रसाद बांटा। यह परंपरा बीते 25 साल से चली आ रही है। महेश्वरी देवी मंदिर चौराहे पर नवरात्रि की अष्टमी को मुस्लिम लोगों ने भक्तों को प्रसाद बांटा। बांदा से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भंडारा किया, प्रसाद बांटा लोगों को। ये परंपरा काफी लंबी चली आ रही है, करीब 25 सालों से ये परंपरा चली आ रही है, जब इस तरह से मुस्लिम भाई हिंदुओं को नवरात्र के मौके पर प्रसाद बांटे। और एक बार फिर से आज की बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। तो आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, लेकिन उससे पहले से लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वो जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने नहीं दे रही है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचकर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है। प्रशासन ने जयप्रकाश नारायण इंटर कन्वेंशन सेंटर के गेट को टीन शेड से लगवाकर कवर कर दिया है। अखिलेश यादव के आरोपों पर एलडीए का कहना है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है, जहां पर निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है। बारिश के कारण कीड़े होने की वजह से यहां पर इस तरह से बैरिकेड की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसकी वजह से सुरक्षा कारणों की वजह से ही यहां पर टीन शेड लगाया गया है। नारायण की जयंती है, जिसके चलते बीते दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ में स्थित जेपीएनआईसी सेंटर जाकर वहां लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें माल्यार्पण की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन वहाँ पर जेपीएनआईसी सेंटर पर टीन सेट लगाकर
उनको रोकने का इंतजाम जरूर कर दिया, जिसके चलते बीती रात अखिलेश यादव JPNIC सेंटर पहुंचे और वहां पर उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद भी उन्होंने कहा कि वो आज हर हाल में 10 से 10:30 के बीच JPNIC सेंटर पहुंचेंगे और वहां पर लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित सपा मुखिया अखिलेश यादव के आवास से लेकर सपा मुख्यालय तक भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दोनों तरफ से मजबूत बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ न सिर्फ CRPF के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है, बल्कि हजारों की संख्या में PAC के भी जवानों को तैनात किया गया है कि किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं को JPNIC सेंटर पर जाने से रोका जाए। आप देख सकते हैं कि ये वही मुख्य द्वार है जहां से विक्रमादित्य मार्ग पर एंट्री करते हैं और इसके जस्ट बगल में सपा मुखिया अखिलेश यादव का आवास है, जहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनकी भी तैनाती की गई है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निजी आवास जहां है, न्यूज 18 की टीम वहीं मौजूद है। साथ और सब देखें तो पीछे मेरे अखिलेश यादव का आवास है निजी, जहां पर वो रहते हैं। देर रात वो सैफई से लौट करके आए, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर 3 लेयर की बैरिकेटिंग दिखाई देती है। इस बैरिकेटिंग में न सिर्फ जमीन को बहुत ज्यादा अंदर खोद करके इसको बनाया गया है, बल्कि इसमें टीन शेड और तार और तमाम जालियों का उपयोग करते हुए इस पूरे टीन शेड को तैयार किया गया है। जो मुख्य चौराहा है जहां से उनके घर आवास के लिए सड़क जाती है, उस सड़क पर पुलिस की न सिर्फ 3 लेयर की व्यवस्था सुरक्षा की गई है, बल्कि आप चारों तरफ देखेंगे तो साफ तौर से जो एक रोड कैन की तरफ जाता है, दूसरा रोड 5 कल्याण मार्ग और तीसरा रोड जो राजभवन की तरफ से आता है, उन तमाम जगहों पर आपको पुलिस के आला अधिकारी से लेकर के पुलिस के जवान आज साफ तौर से दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 तारीख को अखिलेश यादव की तरफ से एक पत्र भेजा जाता है लखनऊ के जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को कि JPNIC सेंटर पर जो कार्यक्रम है उसमें वो भाग लेंगे। लेकिन उसके बाद कल जब वो सैफई से लौट रहे थे तो खबर ये आई कि JPNIC सेंटर को बंद किया जा रहा है। अखिलेश यादव सीधे JPNIC सेंटर 11:30 बजे पहुंचते हैं और वो ऐलान करते हैं कल 10 बजे का जो उनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत ही वो मौके पर जाएंगे। ऐसे में क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है उनको वहां जाने का, LDA ने एक पत्र, LDA की सचिव की पत्र, एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि निर्माणाधीन है JPNIC, वहां पर काम चल रहा है, ऐसे में आपको क्योंकि VIP मूवमेंट है, VIP सुरक्षा है, ऐसे में आप वहां जा नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक क्लैश की स्थिति दिख रही है। 10:30 बजे का जो तय समय है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया है कि वो जरूर जाएंगे। और जिस तरह से कल वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था पुलिस 1 दिन लगाई जा सकती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 साल या 2 साल नहीं लगाई जा सकती है। तो ऐसे में आज लखनऊ की सड़कों पर पिछले साल की तरह ही कुछ स्थिति होने वाली है। पिछली बार जब JPNIC सेंटर में अखिलेश यादव पहुंचे थे तब वहां पर स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी थी। उस वक्त जो 8 फीट की ऊंची दीवार थी, जो गेट था, उसको फाद कर अखिलेश यादव अंदर गए थे। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर और खास तौर से जो उनकी आवास की तरफ सड़क जाती है उसके आगे ही समाजवादी पार्टी दफ्तर है, वहां पर न सिर्फ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, बल्कि इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी है यहां से वो निकलने ना पाए। अब देखने वाली बात होगी कि जब वक्त आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कल शाम में भी किया था कि वो निकलेंगे जरूर, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं और खासतौर जो विधायक हैं, वो तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि बैरिकेटिंग समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं रोक पाएगी। तो सूरज जैसे जैसे चढ़ेगा, माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजनीति की तपिश भी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। तो JP की जयंती पर क्या आज भी पिछले बार की तरह ही तस्वीरें सामने आएंगी, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।